आज की इस वीडियो में होने वाले हैं दोस्तों कुछ ऐसे कमाल के फोल्डिंग होम्स जो कि अपने आप में वाकई काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ, चलते हैं अपने पहले घर की तरफ। नंबर 5, बॉक्सेबल। आपने इंटरनेट पर अक्सर ये बात सुनी होगी जहाँ पर बड़े बड़े घरों को केवल एक दिन में ही बना लिया जाता है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ और आपको एक ऐसा ही घर दिखाता हूँ जिसे कि एक दिन के अंदर ही इंस्टॉल करके बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का बॉक्स होता है जो कि एक ट्रेलर की मदद से कहीं पर भी पहुंचा दिया जाता है और जहां पर भी घर को बनाना होता है तो बस इसे अनफोल्ड किया जाता है और एक प्रॉपर घर बनकर तैयार हो जाता है। इस पूरे इंस्टॉलेशन में काफी कम समय लगता है जिससे कि इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है फॉरेन कंट्रीज में। यहाँ तक कि टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क भी एक ऐसे ही बने घर में रहते हैं जो कि एक वाकई काफी कमाल के इंजीनियरिंग का नमूना है। इस तरीके के घरों में काफी सारे पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग बॉक्स में आते हैं, जिसमें किचन से लेकर डाइनिंग रूम या फिर बेडरूम से लेकर बाथरूम सभी कुछ इन्हीं बॉक्सेस में रहता है, जिसे कि अनफोल्ड करके आसानी से आपके लिए एक प्रॉपर घर बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इंडिया के अंदर भी बहुत पॉपुलर होने वाली है जिससे कि घर बनाना वाकई बेहद आसान हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको इस तरीके का रेडीमेड घर कैसा लगा। नंबर 4, कवर। घर बनाना एक बेहद मुश्किल काम है जिसमें कि पैसे के साथ साथ अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों पैसे तो आप खर्च कर सकते हैं लेकिन टाइम आजकल बहुत कम ही लोगों के पास है, तो ऐसे में वो लोग इस तरीके की कंपनियों द्वारा अपने मनपसंद घर को आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये एक तरीके के ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि आपके पसंद का घर आपके हिसाब से बनाते हैं। ये सबसे पहले तो उसकी 3D में प्लानिंग तैयार करते हैं और आपको पूरा फ्लोर प्लान दिखाएंगे और जब आप उन्हें कंफर्म कर देते हैं तो ये उनके अलग अलग पार्ट्स को तैयार करते हैं, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों में आपके घर में ये सारे पार्ट्स इंस्टॉल कर देते हैं जहां पर आप आसानी से रह सकते हैं। यानी कि घर बनने के पूरे प्रोसेस में आपको जरा सी भी देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि कुछ ही दिनों में आपको एकदम रेडीमेड घर बना बनाया दे देंगे जिसमें कि आप आराम से रह पाएंगे। तो आजकल जिन लोगों के पास घर बनवाने का टाइम नहीं है या फिर जो लोग ऑफिस वगैरह में अक्सर बिजी रहते हैं, उन लोगों के लिए इस तरीके के सिस्टम काफी ज्यादा मजेदार रहेगा जिससे कि वो अपना पसंदीदा घर अपने ही हिसाब से बनवा सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। नंबर 3, रोलिंग यूनिट ट्रेलर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि अपने काम के सिलसिले में आए दिन ट्रैवल करना पड़ता है, यानी कि जिनका कोई फिक्स घर नहीं होता है। ऐसे लोगों को एक जगह पर स्टे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। वो जिस भी नए शहर जाते हैं वहाँ पर उनको एक नया आशियाना बनाना पड़ता है जो कि अपने आप में काफी कॉस्टली अफेयर है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूँ जिससे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा लाइट वेट ट्रेलर होता है जिसे कि पुल करके कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। यानी कि अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने SUV में लगाकर कहीं भी ले जा सकते हैं और जहां पर भी आपको अपना घर बनाना हो तो बस इसे एक्सपेंड करके आप एक बड़ा सा घर बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी जो बॉक्स की यूनिट रहती है वो पूरी तरीके से अनफोल्ड हो जाती है जिससे कि स्पेस आपको काफी ज्यादा मिल जाता है जिसमें कि आप अपना जरूरत का सारा सामान रख सकते हैं। वहीं दोस्तों इसे दोबारा से फोल्ड कराकर कहीं भी इजिली लेकर मूव किया जा सकता है जो कि इसका एक कमाल का फीचर है। तो जिन लोगों को अक्सर काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता है या फिर बहुत ज्यादा जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए इस तरीके का सिस्टम बेहद कमाल का रहेगा जिससे कि वो जहां चाहे अपना घर बना सकते हैं। नंबर 2, टेनफोल्ड इंजीनियरिंग। बात अगर फोल्डिंग होम्स की हो रही हो तो उन्हें अनफोल्ड करने में काफी ज्यादा समय लगता है जिसमें कि अच्छी खासी मैन पावर के साथ साथ हल्की फुल्की इंजीनियरिंग की भी जरूरत होती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा फोल्डिंग होम दिखाने वाला हूं जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसे इंस्टॉल करने के लिए। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का ऑटोमेटेड फोल्डिंग होम होता है जिसे कि आप आसानी से अनफोल्ड कर सकते हैं बस कुछ ही बटन्स दबाकर। जी हां दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके की मैन पावर की भी जरूरत नहीं होती और कोई भी मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं होती जिससे कि आप इसे इंस्टॉल करें। बस आपको रिमोट से एक बटन दबानी है जिसके बाद ये खुद ब खुद ही फोल्ड हो जाएगा जहां पर आप अपना घर या फिर ऑफिस वगैरह सेटअप कर सकते हैं। इसे खास तौर पर इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आपका ऑफिस सेटअप भी बहुत बेहतरीन रहेगा क्योंकि इसके साइड में आपको अच्छा खासा सामान रखने के लिए स्पेस देखने को मिल जाता है जिसमें कि आप अपना जरूरी सामान तो रख ही पाएंगे और इसमें बिल्ट इन फर्नीचर भी रहता है थोड़ा बहुत जिससे कि जरूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो काफी एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये नमूना है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, मूवेबल शिपिंग कंटेनर हाउस। अगर आपको अपने फोल्डिंग हाउस में काफी ज्यादा स्पेस चाहिए तो इस तरीके का सिस्टम आपके लिए बेहद कमाल का रहेगा क्योंकि ये ना सिर्फ आपको फोल्डिंग होम का मजा देने वाला है बल्कि इसमें आपको स्पेस भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ये दरअसल देखा जाए तो एक कंटेनर जैसा होगा जिसे कि एक ट्रेलर की मदद से कहीं पर भी सेटअप किया जा सकता है और इसके नीचे हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं जिससे कि ये खुद ब खुद अपना बेस बना पाएगा। और जैसे ही आप इसे अनफोल्ड करते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है जहां पर बेडरूम्स, किचन, बाथरूम्स ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस छोटे
छोटे से कंटेनर के अंदर। वहीं दोस्तों इस तरीके के फोल्डिंग हाउस में ग्लास का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया गया है, जिससे कि इसका लुक भी एकदम बंगलो वाला हो जाता है और दूर से देखने पर ये फोल्डिंग हाउस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इस तरीके के कमाल के फीचर्स आपको इस घर में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अपने जरूरत का फर्नीचर वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल फ्लोर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि स्पेस काफी ज्यादा रहेगा इस तरीके के घरों में। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का फोल्डिंग हाउस कैसा लगा। वहीं दोस्तों हमें कमेंट करके ये भी बताएगा कि आपका पसंदीदा फोल्डिंग हाउस इनमें से कौन सा रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।